हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्ट रिडक्शन में कार्बन कितना रिक्वायर्ड होता है पर टन ऑफ हॉट मेटल में। तो आज मैं आपको रिएक्शन हिसाब से निकाल के बताऊंगा कि एक्चुअली कितना कार्बन लगता है पर टन ऑफ हॉट मेटल में। तो डायरेक्ट रिएक्शन हिसाब से तो आपको सबको पता है कि डायरेक्ट रिएक्शन जो है कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो हिसाब से कितना कार्बन रिक्वायर्ड होता है पर टन ऑफ हॉट मेटल निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं पिछले भी वीडियो भी बना बताया था कि सबकी जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, तो जानेंगे तब जाके रिएक्शन हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्चुअली कितना कार्बन लगता है और कितना कार्बन मोनोऑक्साइड लगता है। तो मेनली जो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe का जो है 26 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 56 और कार्बन की है 6 और उसका एटॉमिक मास जो है वो है 12 और मेनली और उसका जो हेमाटाइट का जो केमिकल फॉर्मूला सबको पता है जो है Fe2O3 और उसको निकालेंगे तो उसका जो एटॉमिक मास निकलता है तो 160 मोल निकलता है। तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं क्योंकि 56 × 2 और ऑक्सीजन का जो है 16 × 3 इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपके आ जाएगा 160। तो इसीलिए रिएक्शन हिसाब से निकालेंगे कि हम सोचिए कि डायरेक्ट Fe2O3 साथ में कार्बन रिएक्शन करता है तो ये बनेगा Fe प्लस CO। इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें 3 डालिए, इसमें 3 डालिए, ये आपका हो गया 2Fe प्लस 3CO। हमको कार्बन निकालना है तो उसका मतलब यही हुआ 2 × 56 kg ऑफ Fe कार्बन नीड इक्वल टू 3 × 12 फॉर हमको निकालना कितना है 1 ton of 1000 kg ऑफ Fe कार्बन नीड इक्वल टू 3 × 12 / 2 × 56 × 1000। तो इसका आ जाएगा 3 × 12 = 36, ये हो गया 36,000 / 2 × 56, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 321 kg। इसका मतलब यही हुआ कि आप जो है 1 ton हॉट मेटल के लिए 321 kg के आसपास आपको कार्बन रिक्वायर होता है और डायरेक्ट रिएक्शन ये वेरी सिंपल है। वो सबसे आप कार्बन बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं। मैंने भी जो वीडियो आप लोग जो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हैं, मैंने कार्बन बैलेंस भी किया हूँ, हर केमिकल की रिएक्शन बारे में बताया हूँ, सबके बारे में बताया हूँ, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो जाके, मगर आप एंड तक देखें और समझ इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।